इस मूवी को देखते समय ऐसा फील हो रहा था कि इसमें हमें कुछ जबरदस्त हॉरर एलिमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2022 की एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है ग्रिम कटी। जहां पर अगर मैं इस मूवी का एक छोटा सा ओवरव्यू दूं तो हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि कई सारे बच्चे और जो टीनेजर्स है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो सुसाइड कर ले रहे हैं। अब किसी को भी इस चीज के ऊपर एक एग्जैक्ट रीजन तो नहीं मालूम था, लेकिन सबका मानना था कि ये सारी चीजें एक ऑनलाइन चैलेंज के कारण हो रही थी जिसका नाम ग्रिम कटी था। अब इसी दौरान हमारी मूवी एक लड़की के कैरेक्टर के अंदर रिवॉल्व करती है जिसका नाम रहता है आशा, जो कि एक दिन अचानक से एक मिस्टीरियस एंटिटी को एनकाउंटर करती है जिसके अपीयरेंस इतने ज्यादा डरावने थे कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो जो क्रिएचर है वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे करके आशा को पता चलता है कि वो जो एंटिटी है वही एक्चुअल में ग्रिम कटी है और इसी के कारण सारी चीजें फॉर्म हो रही है। और इन सारी चीजों के बीच आशा इससे कैसे सरवाइव करती है और स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख सकते हो। अब ये तो हो गया मूवी का एक छोटा सा ओवरव्यू। इसके अलावा अगर हम मूवी की डिटेल्स की बात करें तो जो मूवी का कॉन्सेप्ट है वो था तो काफी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके का इसका स्क्रीन प्ले है और जिस तरीके से चीजों को प्रेजेंट की गई है ना, वो काफी ज्यादा वीक लगी मुझे। जहां पर इसमें जो हमें जंप स्केयर्स देखने को मिलते हैं उन्हें देखकर कुछ खास डर नहीं लगता, प्लस यहां पर कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स और कुछ ऐसे सीन्स थे जिन्हें अगर मूवी से कम्प्लीटली कटआउट भी कर दिया जाता तो ये मूवी को कुछ खास अफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा मूवी में ज्यादा रिसोर्सेस का यूज नहीं हुआ है। जो हमें लोकेशन देखने को मिलते हैं वो भी काफी लिमिटेड से ही थे, साथ ही साथ जो मूवी का VFX और सिनेमेटोग्राफी है वो भी काफी एवरेज से ही था, यानी कि इसके जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो किसी एवरेज हॉलीवुड मूवी जैसी ही है। इसके अलावा अगर हम एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो उस मामले में भी ये मूवी कुछ खास प्रेजेंट नहीं करती है। जितने भी एक्टर्स हमें मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं उनकी एक्टिंग काफी एवरेज से ही थी। यहाँ तक कि जो मूवी की मेन एक्ट्रेस है जिन्होंने आशा के कैरेक्टर को प्ले किया है वो भी अपने एक्टिंग के थ्रू मूवी के अंदर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है, बल्कि इसके कैरेक्टर को इतना ज्यादा अनोइंग और इरिटेटिंग बनाया गया है कि लिटरली इसे मूवी के अंदर देखकर फील होता है कि सबसे पहले इसी को मार देना चाहिए। लेकिन अगर मूवी में सबसे बढ़िया चीज कोई था तो वो था ग्रिम कटी का कैरेक्टर, जहां पर जिस तरीके का इसका लुक क्रिएट किया गया है स्पेशल इफेक्ट्स और VFX को यूज करके मुझे काफी बढ़िया लगा, क्योंकि लिटरली इसका अपीयरेंस देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस कैरेक्टर की एबिलिटीज भी काफी ज्यादा अमेजिंग थे, जहां पर ये किसी भी इंसान के फियर और एंजाइटी से फॉर्म होता है और अपने सिलेक्टेड विक्टिम्स को ही नजर आता है, बाकियों के लिए कम्प्लीटली इनविजिबल है। इसके साथ ये एंटिटी कम्प्लीटली इमोर्टल है, यानी कि इसे किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता। लेकिन इतने सारे फैक्टर्स होने के बावजूद भी इस कैरेक्टर को इतना वीक बना दिया गया है ना मूवी के अंदर कि लिटरली इसे देखकर ऐसा फील होता है कि ये कम्प्लीटली मजाक बन गया है। यानी कि मूवी के अंदर ऐसे बहुत ही कम ही एलिमेंट है जो कि मूवी को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स इतने ज्यादा वीक थे जिसके चलते मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। जहां पर अगर इन्हीं सारे फैक्टर्स के साथ अगर मैं अपनी रेटिंग्स की बात करूं तो मैं इस मूवी को 10 में से 5 की रेटिंग दूंगा। जहां पर मैंने ये रेटिंग सिर्फ इसके ग्रिम कटी के कैरेक्टर को देखते हुए दी है, क्योंकि पर्सनली मुझे वो कैरेक्टर काफी अच्छा लगा। हाँ, बस उसे थोड़ा और अच्छी तरीके से दिखाया जाता तो बढ़िया रहता। वेल, अगर अभी बात करें कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं, तो अगर आप उन ऑडियंस में से आते हो जिन्हें हॉरर मूवीज देखना काफी पसंद है तो उस हिसाब से आपको ये मूवी को कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि यह आपको हॉरर के मामले में कुछ भी खास प्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन अगर आप उन ऑडियंस में से आते हो जो कि ज्यादा हॉरर मूवी नहीं देख पाते और वो सिंपल से टाइप की हॉरर थ्रिलर टाइप की मूवी देखना प्रेफर करते हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जहां पर ये मूवी का जिस तरह का इसका स्क्रीन प्ले है आप ये मूवी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। पर हाँ, अगर इसकी स्टोरी टेलिंग में और भी ज्यादा वर्क किया जाता तो इस मूवी में काफी पोटेंशियल था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। वेल, इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप मेरे इसी तरह के फ्यूचर कॉन्टेंट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।